ऑपरेशनल स्टेज ये बड़ी शॉर्ट सी है, इस पे ज़्यादा जोर नहीं है। ये चार चीज़ें हैं, एक एडल्ट ईगो सेंट्रिज्म, ये तो आपको समझ आई गई होगी क्या होती है। आप वो ये पहले ये कहता था जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे सब सोच रहे हैं, आप एडल्ट लेवल पे वो क्या कहता है, सारी दुनिया गलत है मैं ठीक हूँ, ईगो सेंट्रिक होना शुरू हो जाता है। और आपकी एज में ईगो सेंट्रिज्म अपनी टॉप पे होता है, ये याद रखें। एज बच्चे में और बूढ़े में ईगो सेंट्रिज्म सबसे कम होता है। अब्बा जी को भी ना बाबा जी को भी कहीं ले जाओ ना, उसको कोई परवाह नहीं होनी केड़ी चप्पल पाई हो या लैचल में। आपने कहना नहीं 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 सर के सामने ऐसे लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आप आए मेरी इंसल्ट हो गई। तो ये ईगो सेंट्रिज्म की पीक होती है। आप कहीं खड़े आ रहा बजे तो ये मुझे क्यों देख रहा है। अब इस एज में ये होना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है, ये ऐसे सारे ही करते हैं, हम भी करते थे। हमारे क्लास में भी एक दोस्त होता था, वो हर लेक्चर के बाद भाई किधर जा रहे हो, हॉस्टल जा रहे हो, क्या करने वो मैं अरे ये काम कहीं को कुछ ना मिले थूक लगा के यूं यूं कर रहे होते क्यों मेरे लगता है सारे किसे देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, मैं ही दुनिया का सबसे अहम आदमी हूं, मैं दुनिया का सेंटर हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे से स्टार्ट होती है, सारे मेरी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही है। तो दिस इज कॉल्ड द एडल्ट ईगो सेंट्रिज्म। अब यहां आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट थॉट। अब आप इमेजिन करना पोएट्री फल फिलोसफी कल्चर ये सारा समझ आना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं नहीं समझते लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाती है। कोई मिसाल देंगे एब्स्ट्रैक्ट की? जी हमारा जो है आपका कल्चरल वीक कैसा आएगा, स्पोर्ट्स कैसी होंगी, अच्छा उसमें हम कैसे करेंगे, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ मज़ा नहीं आया क्योंकि आपने जो एब्स्ट्रैक्ट में बनाया कंस्ट्रक्ट की चीज़ें वो कॉन्क्रीट लेवल पर उतनी बेहतर नहीं हो पाई। एब्स्ट्रैक्ट में तो बहुत कुछ आ रहा होता है ना, कॉन्क्रीट पर वो उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट। एंड व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, खुद निकालना। और इंडक्टिव क्या होती है, मैं जाऊं जाके देखूं कि ये जो रेड इशारा है इसका मतलब है ट्रैफिक रुक रही है, और मैं इससे समझूं कि ये लोग क्यों रुकते हैं, और मैं फिर इसे खुद समझने की कोशिश करूं, तो ये इंडक्टिव है। अगर मैं रूल्स पढ़ के जा रहा हूं और फिर सड़क पे जाता हूं तो क्या है, ये डिडक्टिव है। तो कई आप एक्सपीरियंस लेते हैं और उससे सीखते हैं, और कई आपको सिखाया जाता है और फिर आप उससे रीजनिंग तलाश करते हैं। तो इसका मतलब अब थॉट बहुत बढ़ गई है, अब थॉट का पैराडाइम बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ वो जो लिटिल स्कॉलर है ना, लिटिल साइंटिस्ट है, पीजे ने जैसे कहा है बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, अब वो लिटरली साइंटिस्ट बन रहे हैं। अब उनके पास एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी है, अब वो ईगो सेंट्रिक भी हैं, और ये होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने बारे में कॉन्शियस नहीं है तो फिर ये तरक्की नहीं हासिल कर सकते। अगर इसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। ये ग्रूमिंग इसलिए तो होती है कि मैं अपनी ग्रूमिंग करूँ, मैं अपने आप को बेहतर करूं, मैं अपनी जात को फोकस करूं। ये तभी हो पाएगी ना जब ईगो सेंट्रिज्म होगा, मैं पोजीशन लूं, मैं आगे निकलूं। अब ये चीज बूढ़ों में नहीं हो सकती,
ये हो नहीं सकती ना, पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो मजा है वो अभी की एज में, राइट तो इसी में रीजनिंग भी आ रही है। आप साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? मतलब मैं कहूँ थर्ड ईयर MBBS के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, नहीं बहुत अच्छे नहीं है, तो मैं एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लेता हूँ। मैंने PG पढ़ाया उन्हें और उन्हें इतना अच्छा आ गया, अब एक और एक नल हाइपोथेसिस बनाया, नहीं आया। अब इसके ऊपर मैं एक सर्वे कर लेता हूँ और या तो मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे मुझे लर्निंग आएगी कि अगर मैं ये करता तो मैंने ये चीजें इग्नोर कर दी, मैंने उनकी एज नहीं ली, मैंने उनका बैकग्राउंड नहीं लिया, मैंने उनकी ट्रेनिंग को नहीं देखा, मैंने उनको फर्स्ट ईयर से आने वाले इश्यूज को नहीं देखा, मैंने उनके एडजस्टमेंट इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। तो जब ये मैंने एड्रेस नहीं किया तो ये फर्क आ गया, राइट? तो हाइपोथेसिस का मतलब है कि नाउ द थिंग्स आर बिकम, यू आर बिकमिंग अ साइंटिस्ट। अब आप साइंटिस्ट के तौर पर सीखे, तो साइंटिस्ट जो होता है वो क्रिटिकल थिंकर होता है। हमारे यहाँ क्यों रिसर्च कम है? क्योंकि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग कम है, हमें स्टूडेंट लेवल पे कम सिखाया जाता है। जब आपके लेवल पर नहीं सिखाया जाता तो फिर मेरे लेवल पर क्रिटिकल थिंकर कैसे बन जाएंगे? अब आपको लगता होगा पाकिस्तान में हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीके को समझने के लिए ये है कि रिसर्च कितनी है। अगर उस पर तहकीक हो रही है फिर तो ये फायदेमंद है, अगर तहकीक ही नहीं हो रही तो फिर इल्म के नए दरवाजे कैसे खुलेंगे भाई, नई दुनियाएं कैसे आबाद होंगी? फिर ये BS को रट्टा शट्टा मार लेना, ये कौन से बड़ी काम है? ये मैं आपसे वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई इंपॉर्टेंट है और रह जाता है, रट्टा मार के चले गए आप, अटेंडेंस लग गई, 1000 साल में इतनी % अटेंडेंस हो गई, ये मैंने बड़ा जबरदस्त रट्टा मार के लिख भी दिया, जबरदस्त छापा लगा दिया और मैं बहुत लाइक आदमी हूँ। नहीं नहीं, आप पे लाइक नहीं है, आप कॉपी पेस्ट बहुत अच्छे हैं। तो क्रिटिकल थिंकर कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आगे तो दैट इज वाई ये हाइपोथेसिस हम बात कर रहे हैं इसके, ठीक है जी? तो मेरे ख्याल हमने आज PG को कुछ जरा फास्टली कवर किया, इसलिए किया कि पिछले दो में हम जरा स्लो गए हैं कि इन ऑर्डर टू डेवलप द बैकग्राउंड ऑफ द कॉग्निटिविज्म। अगर मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आनी थी ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, कि कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म का ही नहीं पता तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ डिफर्ड इमिटेशन, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ डिसेंट्रेशन सेंट्रेशन। अब शायद आपको ये जरूर होगा बैकग्राउंड के इसकी इंपॉर्टेंस है। एनी क्वेश्चन एनी कमेंट? हाँ, डिडक्टिव है, डिड्यूस करना। किसने क्वेश्चन किए? डिडक्टिव है, डिड्यूस करना, यानी मैं इन्फर करता हूं, मैं मुझे यूं समझे कि मैंने आपको बिहेवियरल साइंसेज जो आज पढ़ा के जा रहा हूं तो आपको एक डिडक्टिव रीजनिंग देके जा रहा हूं। अब आप जाकर जो खुद पढ़ेंगे वो इंडक्टिव हो, इसके बारे में खुद कुछ देख रहे हैं तो वो क्या है? वो इंडक्टिव, वो अपने अंदर आप इंड्यूस कर रहे हैं। और जो मेरे आज के लेक्चर से आपने जो मतलब निकाला वो क्या है? वो डिडक्शन। और जो आपने खुद उसके बाद जाकर समझा वो इंडक्शन। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इज नॉट द ऑल द रीजनिंग, सिर्फ डिडक्टिव नहीं होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव होता है। हाँ, उसने तो पढ़ा दिया, मैंने क्या सोचा उसके ऊपर, और उसी पर हाइपोथेसिस बनते हैं। और कई दफा लगता है हाइपोथेसिस ब्लैक एंड व्हाइट है, नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंफाउंडर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए वहाँ डिस्कशंस की जाती हैं उस रिसर्च आर्टिकल में जो फोर्थ ईयर में आप करेंगे। और हम चाहेंगे थर्ड ईयर में आप एक रिसर्च जरूर करें, और हम चाहेंगे कि आपका एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए आपके लेवल, और वो आर्टिकल जब पब्लिश होगा तो आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना कितना पोटेंशियल बेहतर होगा, आपको खुद समझ आएगी कि क्रिटिक करने का क्या फायदा है।
फिर कल को जब आप डॉक्टर बनेंगे, फिर आप अपनी हर प्रैक्टिस को रिसर्च में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए थर्ड ईयर में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सबसे हम चाहेंगे बेशक हम 8-8 का एक बैच बना लें और वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करें, लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो में एक रिसर्च आर्टिकल जरूर लगाए, उसकी पब्लिश हम करवाएंगे इंशाल्लाह जो डिपार्टमेंट है। थैंक यू।